पिछोर थाना क्षेत्र के पारेश्वर गांव के पास से गांव के एक दबंग ने की श्री कृष्ण बस के चालक के साथ मारपीट। बस चालक का तोड़ दिया दांत। मामला पिछोर थाना क्षेत्र के पारेश्वर गांव का है, जहां गांव के रहने वाले एक दबंग ने बस चालक के साथ मारपीट कर दी और बस चालक का दांत तोड़ दिया। बस चालक रामकिशन लोधी द्वारा बताया गया कि पारेश्वर गांव के एक व्यक्ति ने मुझे फोन पर कहा कि झांसी से कुछ सामान लाना है। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं ड्राइवर हूँ, बस का कंडक्टर और क्लीनर नहीं हूँ। आपको जो भी चीज मांगना हो, जो भी लगेज हो, कंडक्टर और क्लीनर से फोन करके कह दीजिए। इतने में फोन पर ही दबंग ने धमकी और कहा कि बस लेकर आऊंगे तो मैं देख लूंगा। बस चालक रामकृष्ण लोधी ने बताया कि जब मैं झांसी से बस लेकर पारेश्वर रोड पर पहुंचा तो पारेश्वर गांव के एक दबंग ने बस को रोका और मेरे साथ लात घूसों से मारपीट करने लगा। मेरे मुंह में घुसा मारा जिससे मेरा दांत टूट गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने फरियादी बस चालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर मेडिकल के लिए भेज दिया है। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। आपका रामकृष्ण लोधी। अच्छा रामकिशन जी, कहाँ के हो? हमें असर रहा के। अच्छा आज आप थाने आए थे, पिछोर थाने, क्या मामला है? थाने आए थे, एक पारेश्वर का है, उसने सामान मंगाया, झांसी से बोरी मंगा रहा था एक। अब मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे तो काम नहीं ना रखने पढ़ने का, यानी कि ड्राइवर वो कंट्रेक्टर जाने, क्लीनर जाने, मुनीम जी जाने, वो कर लो तुम घर के ला नहीं ला रहा तो घर में तो यहीं देख रहा हूँ। पारेश्वर भाई, पारेश्वर गाड़ी खड़ी करके मुझे मारो। अच्छा मारपीट की? हाँ मारपीट की। मारपीट में क्या किया? एक दांत टूट गया, वो क्यों जगह चोट आई मुझे। अच्छा तो मारपीट कहाँ पे की है? पारेश्वर पे की। रोड पे? रोड पे। क्या करते हैं आप? ड्राइवरी करता हूँ मैं। क्या चलाते हैं? झांसी मंगौली बस चलाता हूँ। अच्छा बस चलाते हैं? हाँ कृष्णा बस। तो आपसे जहाँ बस पे से सामान मंगा रहा था? हाँ वहाँ से झांसी से सामान मंगा रहा था। क्या? मेरी बोरी रख के ला गई। अच्छा मैंने कि मेरा काम थोड़ी है बोरी रखने का। आपने मना किया? मैंने मना किया, कहीं तू वहीं रख के लाएगा नहीं तो तुझे यहीं देख रहा हो। फिर क्या? हाँ गाड़ी रोकी वाला हूँ, मुझे मारा, मारपीट की। हाँ मारपीट की। इसलिए थाने आए थे? हाँ इसलिए थाने आया था। पुलिस ने सुनवाई की आपकी? सुनवाई कर रही पुलिस। मदद कर रही है? हाँ मदद कर रही पुलिस।